नमस्कार साथियों, मैं रामनिवास सैनी सक्सेस सेंटर सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन नियमित पैटर्न का सेकंड सेमेस्टर हल कर रहे थे और उसकी पहली क्लास कल शाम को हो चुकी थी। उसके अपन 30 प्रश्न कर चुके थे और नेक्स्ट प्रश्न अपन आज हल करने वाले हैं। अनिल कुमार, कृष्ण, मूलचंद, भादरमल, सभी को मेरा नमस्कार। एक बार सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा और उसके बाद में जस्ट अपन प्रकाश चंद्र, प्रियंका, टेक्निकल फैन सबको राम राम। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हाँ भाई, आज की क्लास का पहला प्रश्न है। लीजिए भाई, हाँ भाई देखिएगा। देखो, एक वोल्टमीटर लगा हुआ और एक स्विच आपका एस लगा हुआ है। यहां पर देखेंगे आप लोग, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया गया है। यहां एक वोल्टमीटर लगाया गया है वी, वोल्टमीटर वी लगा हुआ है और ये स्विच आपका एस लगाया हुआ है। ये माइनस है, ये आपका पॉजिटिव, ये प्लस नेगेटिव, और ये आपका नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है। प्रत्येक सेल का आउटपुट वोल्टेज दोस्तों 1.5 है। अब पहली बात तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, हमेशा श्रेणी क्रम संयोजन वोल्टेज बढ़ाने के लिए काम में लिए जाते हैं, लेकिन देखो इनका उल्टा क्रम है। ये आपका पहले माइनस और ये आपका माइनस, मतलब दो सेलों का वोल्टेज तो माइनस में एड हो जाएगा और एक आपका सही जुड़ा हुआ है, तो यहां पर सीधा सीधा आंसर आ जाएगा भाई आपका 1.5 वोल्टेज। कई लोग अब श्रेणी क्रम में देखेंगे तो वो बोलेंगे कि 4.5 हो जाएगा, राधे राधे भाई, लेकिन 4.5 नहीं होगा, यहां पर आपका 1.5 वोल्टेज हो जाएगा। तो सही जवाब कितना होगा भाई, 1.5 वोल्टेज दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ भाई, नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर लग चुका है। शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या लिया जाता है? तो देखो, शुष्क सेल में क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड भी काम में लेते हैं अपन, कार्बन को भी काम में लिया जाता है, अमोनियम क्लोराइड को भी काम में लिया जाता है और दोस्तों जिंक क्लोराइड को भी काम में लिया जाता है, जिंक क्लोराइड को भी काम में लिया जाता है। इनका अनुपात 10:2:1 होता है। लगभग इनका आउटपुट वोल्टेज 1.4 से 1.5 वोल्टेज होता है। अब यहां पर पूछा गया है कि धनात्मक इलेक्ट्रोड, तो धनात्मक किसका बना होता भाई, धनात्मक इसमें किसका बना होता भाई, तांबे का, किसका बना होता भाई आपका, तांबे का बना होता है, किसका बना होता है दोस्तों आपका, तांबे, सॉरी शुष्क सेल के लिए पूछा है, माफी चाहूंगा, कार्बन का, कार्बन का बना होगा भाई। और एनोड किसका बना होता है आपका, जिंक का बना होता है। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा दोस्तों आपका, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है बजरंग नाथ का, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। हाँ भाई, बहुत अच्छा है। अब देखो, आप सुनिएगा, बाहर बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा? देखो, जैसे ही आप लोग लोड का मान बढ़ाते हैं तो भाई वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज में दोस्तों कमी आएगी कि नहीं? जैसे अपन लोड का मान बढ़ाएंगे तो मेरे साथियों टर्मिनल वोल्टेज में क्या आएगी, आपकी कमी आएगी। तो यहां पर सीधा सा जवाब हो जाएगा कि सिरों के वोल्टेज में क्या होगा, डिक्रीज, यानी कि जो आपका वोल्टेज है दोस्तों वो क्या होगा आपका, घटेगा। वोल्टेज का मान मेरे साथियों क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा। बाहर बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा, यानी कि वोल्टेज का मान आप लोगों का घट जाएगा। अब दोस्तों मैं आपसे एक जनरेटर का नाम पूछना चाहूंगा, उस जनरेटर का नाम बताइए जो लोड बढ़ाने पर वोल्टेज में स्थिरता रखता है, मतलब वोल्टेज उसके बिल्कुल कांस्टेंट रहते हैं, उस जनित्र का नाम बताइए। ध्यान रहे, संट जनित्र का नाम नहीं लेना आपको,
उस जनित्र का नाम बताना है जो लोड बढ़ाने पर अपने टर्मिनल वोल्टेज को स्थिर रखता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको संट जनित्र है वो उदा संट जनित्र का आंसर आपको नहीं देना है। दीजिएगा कौन दे रहा है? आपको संट का आंसर नहीं देना है, उस जनित्र का नाम बताइए। लेवल कंपाउंड जनरेटर, बिल्कुल। बाजनाथ गौर ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, लेवल कंपाउंड जनरेटर। शाबाश भाई, वेल डन। उसको बोलते हैं अपन स्तर, निमी पैटर्न में कहते हैं उसे स्तर संचयी संयुक्त जनित्र। स्तर संचयी संयुक्त जनित्र के नाम से जानते हैं, अर्थात लेवल कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अर्थात लेवल कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में लोड बढ़ाने के ऊपर टर्मिनल वोल्टेज में गिरावटें नहीं होती हैं। दोस्तों आगे आपके मशीन पार्ट स्टार्ट होने वाला है, ये आप चिंता ना करें। सभी को मेरा नमस्कार भाई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, दीजिएगा भाई जवाब। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, वोल्टाइक सेल। बहुत अच्छा भाई, वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल में यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि विद्युत अवगठे कौन सा काम में लिया जाएगा, तो विद्युत अवगठे आपका H2SO4 काम में लिया जाएगा। कौन सा काम में लिया जाएगा दोस्तों? H2SO4 काम में लिया जाएगा। और सबसे कम विद्युत वाहक बल देने वाला प्राइमरी सेल है, सबसे कम विद्युत वाहक बल देने वाला प्राइमरी सेल है दोस्तों, यानी कि इसका आउटपुट वोल्टेज है वो आपको 1.08 मिलता है। क्या मिलता है मेरे साथियों? 1.08 वोल्टेज मिलता है, 1.08 वोल्टेज मिलता है। और इसका जो एनोड होता है वो किसका बना होता है भी? आपका तांबे का बना होता है। और कैथोड है वो दोस्तों किसका बना होता है? आपका जस्ते का बना हुआ होता है। और एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर कौन सी गैस जमा होती है मेरे साथियों? हाइड्रोजन गैस। कौन सी भाई? हाइड्रोजन गैस। अब क्या पूछा गया है कि वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जा सकता है? तो स्थानीय क्रिया को अपन क्या करते हैं भाई, जस्ते की जो प्लेट है उनके ऊपर, प्लेट के ऊपर अमलगम करके, यानी कि अमलगम, कोई भी अमल चढ़ाकर अपन क्या कर सकते हैं? ध्यान देंगे, पहली बात यहां पर विद्युत अवगठे मैंने कौन सा डाला है? H2SO4। H2SO4 जो शीशा लेड होता है, शीशा संचायक सेल होता है, उसमें अपन दोस्तों प्लेट किसकी बनाते हैं? पीबी की बनाते हैं। प्लेट पीबी की बनाते हैं। और लेड की खास पहचान क्या होती है? क्योंकि लेड आपकी अम्ल विरोधी धातु है। लेड कौन सी धातु? आपकी अम्ल विरोधी धातु है। तो इसके ऊपर भी अपन क्या करते हैं? अमलगम, यानी कि थोड़ा सा इसके ऊपर लेवल चढ़ा देते हैं, थोड़ी सी इसके ऊपर अपन परत चढ़ा देते हैं मेरे साथियों। क्या करते हैं अपन? थोड़ी सी दोस्तों इसके ऊपर परत चढ़ा देते हैं। शाबाश, क्लास को लाइक कर सकते हैं, क्लास को शेयर कर सकते हैं। पहली बार जो विद्यार्थी आए हैं वो बेल आइकन दबाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर लग गया है भाई। हाँ भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, बहुत शानदार। M बराबर ZIT सूत्र में जेड अक्सर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? दोस्तों आपका जेड है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को डिनोट करता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को डिनोट करता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को डिनोट करता है, जिसकी इकाई ग्राम प्रति कूलाम होती है। और M बराबर ZIT दोस्तों विद्युत अपगठन का फैराडे का, विद्युत अपगठन, अपगठन का कौन सा नियम है मेरे साथियों? प्रथम नियम। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा आपका? विद्युत अपगठे का इलेक्ट्रोलाइट इक्विवेलेंट, यानी कि ECE, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को अपन क्या बोलते हैं? अपन ECE बोल देते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन मेरे साथियों क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखो आपसे पूछ लिया जाए W क्या होता है? केवल रासायनिक तुल्यांक होता है, केवल दोस्तों रासायनिक तुल्यांक होता है, केवल रासायनिक तुल्यांक होता है, जो किसके बराबर मानते हैं अपन? परमाणु भार, परमाणु भार बटा संयोजकता, परमाणु भार बटा संयोजकता के नाम से का संबंध होता है, परमाणु भार बटे संयोजकता का संबंध होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर लग चुका है मेरे साथियों। हाँ भाई,
तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? तो देखो ये तो वैल्यू आप लोगों को रटनी है, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होगा, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होगा? तो दोस्तों इसका रासायनिक तुल्यांक होता 0.329 और ये ग्राम में नहीं होता दोस्तों, मिलीग्राम, मिलीग्राम बटे कूलाम। तो यानी कि पहला ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। जबकि चांदी का कितना होता है, 1.118 ग्राम प्रति कूलाम, ग्राम प्रति कूलाम, ये चीज भी आपको ध्यान देनी है, 1.118 ग्राम प्रति कूलाम। और जबकि तांबे का कितना होता है, 0.329 मिलीग्राम, 329 मिलीग्राम। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर लग चुका है, दीजिएगा जवाब, देखिए पहले कौन जवाब देता है। आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कौन पहले जवाब दे रहा है, देखिए आप में से कौन पहले जवाब दे रहा है भाई। शाबाश दिलीप मीणा, बताइएगा मेरे साथियों इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। हाँ भाई देखो सामने, सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण क्या है? सुनिएगा आप लोग, बकलिंग दोष क्या होगा, यदि जब बैटरी को अपन चार्ज करते हैं, बैटरी को आप लोग चार्ज करोगे तो लगभग अपन 6 एम्पीयर विद्युत धारा पर उसे चार्ज करते हैं, एक नंबर बात। दूसरी बात, जब बैटरी को अपन लोड लेते हैं या फिर डिस्चार्जिंग करते हैं तो बाहर आपकी लगभग 25 एम्पीयर की करंट आनी चाहिए, लगभग। यदि आप इससे ज्यादा पर चार्ज कर लो और इससे ज्यादा के ऊपर आप लोग उसे डिस्चार्ज कर लो, तो आपको पता है जैसे ही विद्युत धारा किसी माध्यम में से निकलती है तो वहां पर आपका ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो विद्युत धारा निकलने के कारण आपकी प्लेटें हैं वो गर्म होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, और टेढ़ी मेढ़ी होना ही क्या कहलाता है मेरे साथियों, बकलिंग दोष कहलाता है। क्या कहलाता है, बकलिंग दोष कहलाता है। तो अपन कहेंगे बैटरी को लंबे समय तक निरावेशित स्थिति में रखा जाना बिल्कुल गलत ऑप्शन, प्लेट से गिरने वाले अवसादों का बनना बिल्कुल गलत ऑप्शन, अवधि के लिए कम दर के साथ छोटी अवधि के लिए कम दर के साथ चार्ज करना, ये भी गलत। तो पहला ऑप्शन सही है, आवेशन या अति निरावेशन, आवेशन या अति निरावेशन, ओवर चार्जिंग ओवर डिस्चार्जिंग, मतलब क्षमता से ज्यादा ओवर चार्जिंग और क्षमता से ज्यादा ओवर डिस्चार्जिंग, लंबे समय तक डिस्चार्ज और लंबे समय तक बैटरी को चार्ज करने पर लंबे समय तक अधिक धारा भी होनी चाहिए, आपने लिखा है, लेकिन करंट भी आपका ज्यादा होना चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर आ चुका है भाई। हाँ साथियों, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण को काम में लिया जाता है? मेरे दोस्तों अपन हाइड्रोमीटर को काम में लेते हैं, बैटरी की चार्जिंग स्थिति बताने के लिए हाइड्रोमीटर को काम में लिया जाता है, जो किसको मापता है भाई, विशिष्ट घनत्व को। किसको मापता है, विशिष्ट घनत्व को मापता है, विशिष्ट घनत्व को मापता है। लगभग चार्जिंग में 1.28, मध्यम चार्ज में 1.25 और आपका 1.21। यहाँ दोस्तों आपको टर्मिनल वोल्टेज 2.2, यहाँ 2 और यहाँ आपको 1.8 वोल्टेज मिलता है। कौन से सेल में मेरे साथियों, सीसा संचायक सेल में। कौन से सेल में मेरे साथियों, सीसा संचायक सेल में। कौन से सेल में मेरे साथियों, सीसा संचायक सेल में। हेमराज का सही जवाब है सी, शाबाश। अब मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं आपसे, ये तो हाइड्रोमीटर था, फेदोमीटर, फेदो नहीं, आपसे मैं पूछता हूं पायरोमीटर। पायरोमीटर किस चीज को मापने के लिए काम में लिया जाता है, बताइएगा आप सभी मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट में। पायरोमीटर की सहायता से अपन क्या मापते हैं, बताओ मेरे साथियों। महेंद्र कुमार, स्पीड के लिए तो स्पीडोमीटर होता है, स्पीड के लिए तो स्पीडोमीटर होता है। पायरोमीटर की सहायता से अपन उच्च तापमान मापते हैं, सामान्य तापमान आपका थर्मामीटर से मापा जाता है, लेकिन अधिकतम तापमान अपन पायरोमीटर की सहायता से मापते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर लग चुका है। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा होता है? ध्यान देंगे दोस्तों, ये मान लीजिए आपकी बैटरी है, ठीक है भाई। ये बैटरी में मान लीजिए ये टर्मिनल है वो आपका एनोड है, और ये टर्मिनल मान लीजिए आपका क्या भाई, आपका कैथोड है। ध्यान देंगे आप लोग, जब बैटरी आपकी डिस्चार्ज होती है, जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत धारा आपकी किधर से निकलती है? क्योंकि आपको पता है विद्युत धारा है, विद्युत धारा है वो आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर निकलती है, ठीक है भाई। और इलेक्ट्रॉन है वो दोस्तों आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर निकलता है। तो आपकी बैटरी है दोस्तों, जब चार्ज होगी तो करंट वो कैथोड के माध्यम से रासायनिक विलयन में प्रवेश करेगा, और जब डिस्चार्ज होगी तो आपकी प्लस के माध्यम से आपकी विस्तारित होगी। तो जो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान इलेक्ट्रॉन कौन खोएगा? आपका भाई एनोड खोएगा, क्योंकि एनोड धनात्मक है और एनोड से ही आपके इलेक्ट्रॉन है वो आपके इलेक्ट्रॉन है वो आपके कहां पर चले जाएंगे? कैथोड के ऊपर चले जाएंगे। तो अपन कह सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन खोने का काम कौन करेगा? एनोड करेगा। कौन करेगा मेरे साथियों? एनोड करेगा। कई बच्चों ने सही जवाब दिया है, एनोड सही जवाब दिया है। हाँ भाई मेरे साथियों, कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं भाई? यहां पर अपन को कंड्यूट पाइप लगाना है तो कौन कौन सी विशेषताएं अपन देखेंगे? पहली बात, कंड्यूट पाइप को सीधी सी बात है दीवार के अंदर डाला जाता है, ठीक है मेरे भाई। कंड्यूट पाइप आपकी पीवीसी की भी बनाई जाती है, और जहां पर तापमान को सहन करना होता है ना, तो भाई साहब अपन धातु की भी बनाते हैं, मतलब जीआई की भी आपकी कंड्यूट पाइप वो बनी हुई हो सकती है। पीवीसी पाइप का कंड्यूट का यदि न्यूनतम व्यास आप लोगों से पूछ लिया जाए तो लगभग आपको क्या बताना है? 19 mm बताना है। और कंड्यूट पाइप का यदि अधिकतम व्यास लगभग पूछ लिया जाए तो 65 mm बताना है। और दोस्तों यदि लंबाई आप लोगों से पूछ ली जाए तो लगभग आपको लंबाई कितनी बतानी है भाई? 3 मीटर बतानी है। कितनी मीटर बतानी है दोस्तों? 3 मीटर बतानी है। हाँ, और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज पूछता आप लोगों से, यदि मान लीजिए कंड्यूट है, ठीक है भाई, तो इस अकेली परत की बात करता है कि परत है वो कितनी मोटी होगी? तो ये परत है दोस्तों, ये परत है वो कितनी मोटी होती है आपकी? 3 mm। कितनी मोटी होती है? परत है वो खुद अकेली आपकी 3 mm की होती है। तो यहां पर आप लोगों से क्या पूछा है? दीजिएगा जवाब। कौन बता रहा भाई सही जवाब? कौन बता रहा? सर 60 से 65 के बीच में होती है। बिल्कुल भाई, 60 से 65 के बीच में ही होती है। दीजिएगा जवाब। हाँ भाई, तो कंड्यूट है तो अपन कह सकते हैं कि जो बाहें व्यास है वो भी मिलीमीटर में लेते हैं अपन। दीवार की मोटाई तो देखो mm में होती नहीं है, लंबाई भी मीटर में होती है, दीवार की मोटाई भी आपकी जो mm में नहीं होगी, आंतरिक व्यास है वो भी मिलीमीटर में, आउटर व्यास है वो भी दोस्तों किस में लिया जाएगा? आपका मिलीमीटर के अंदर काम में लिया जाएगा। तो अपन निर्दिष्ट करते हैं, मतलब क्या देकर अपन स्पेसिफाइड करते हैं। तो आप लोग क्या जवाब देंगे भाई यहाँ पर? लंबाई मीटर में, बिल्कुल सही जवाब है। और आंतरिक व्यास है मिलीमीटर के अंदर, इंटर डाया वो तो मापेंगे तब अपने को पता चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन, और बाहर का व्यास होता नहीं है। देखो यहाँ पर प्रश्न में नहीं होना चाहिए था, निर्दिष्टित नहीं किए जाते हैं। देखो थोड़ी सी मिस्टेक है, निर्दिष्टित नहीं किए जाते हैं। तो देखो लंबाई मीटर में होती है, बिल्कुल सही बात है। दीवार की मोटाई है, दीवार की जो मोटाई है वो भी अपन किस में लेंगे भाई? एमएम में खाचेंगे। आंतरिक व्यास एमएम में होगा, लेकिन बाहरी व्यास थोड़ी होता है, कंड्यूट का भारी व्यास थोड़ी लिया जाएगा। तो यहां पर चौथा ऑप्शन है दोस्तों, चौथा ऑप्शन इज द, यहां बात तो गलत होगी लेकिन अपने को सही जवाब चूज करना होगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप समझिएगा कि देखो लंबाई मीटर में होगी, मोटाई है mm, मतलब 19 mm की, तो अपन झिरी है वो 20 mm की बना लेंगे, 21 mm की बना लेंगे। आंतरिक व्यास है वो भी आपका mm में होता है, लेकिन बाहरी कोई व्यास थोड़ी होता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ भाई,
अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, दीजिएगा जवाब। हाँ भाई, अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा, बताओ देखें, बताओ देखिए भाई, रिवायरेबल फ्यूज है आपका हाँ भाई, हाँ भाई, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर कितना होगा? देखो ये रिवायरेबल है, पहली बात रिवायरेबल है दोस्तों, रिवायरेबल है, और एक होता है आपका एचआरसी, तो एचआरसी का तो दोस्तों 1.11 होता है, रिवायरेबल आपका अधिकतम कैपेसिटी का होता है तो 1.4, सही जवाब क्या होगा दोस्तों आपका 1.4। और फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, ध्यान देंगे आप लोग, फ्यूजिंग फैक्टर क्या होंगे, फ्यूजिंग फैक्टर होगा कि धारा का वह मान, धारा का वह मान जिस पर फ्यूज गल जाए, जिस पर फ्यूज का फ्यूज गल जाए मतलब टूट जाए, बटा फ्यूज की निर्धारित धारा, बटा फ्यूज की निर्धारित धारा, निर्धारित धारा, या फिर अपन इसे कह सकते हैं कि फ्यूजिंग धारा, इसकी जगह अपन लोग क्या कह सकते हैं भाई, आपकी फ्यूजिंग करंट भी अपन बोल सकते हैं, और ये क्या आपकी निर्धारित धारा, निर्धारित धारा आपकी कम होगी और फ्यूजिंग धारा दोस्तों क्या होगी आपकी ज्यादा होगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर लग चुका है, दीजिएगा जवाब आप लोग, दीजिएगा जवाब। हाँ भाई बताइएगा, जवाब दीजिएगा। हाँ भाई एक मिनट सेल चेंज कर लेते हैं। हाँ भाई बताइएगा कि पेटेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइट की गांठ का क्या उद्देश्य? देखो पहली बात आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाएगा, होल्डर है आपका दोस्तों, होल्डर किस प्रकार का सामग्री है, किस प्रकार की सामग्री है वायरिंग में, पहली बात होल्डर है दोस्तों, होल्डर, होल्डर दोस्तों आपका किस प्रकार का है, होल्डर आपकी सहायक सामग्री है, होल्डर दोस्तों कौन सी सामग्री आपकी सहायक सामग्री है, होल्डर आपकी सहायक सामग्री है दोस्तों, सहायक सामग्री है क्या भी आपकी सहायक सामग्री है, और पेटेंट होल्डर का ये प्रकार है जो क्या करता है, सामान के जो टर्मिनलों से तनाव को कम करता है, ये क्या करता है भाई, टेंशन को कम करता है, तनाव को कम करता है, पेटेंट होल्डर, होल्डर आपके एक सहायक सामग्री है, और पेटेंट की होल्डर की एक विशेषता है जो टर्मिनलों के तनाव को कम करने के लिए काम में लिया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, कौन सा फ्यूज है भाई ये, देखो कॉन्टेक्टर निकले हुए हैं ऐसे, ठीक है भाई, तो देखो रिवायरेबल तो नहीं है ना, और कार्टेज भी नहीं है, एचआरसी फ्यूज है, कौन सा फ्यूज है भाई आपका, एचआरसी फ्यूज है, जिसका पूरा नाम होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, और हिंदी में अपन कहते हैं उच्च विधारण क्षमता, उच्च विधारण क्षमता, उच्च विधारण क्षमता के नाम से जानते हैं, और दोस्तों इसका ऑपरेटिंग टाइम मिली सेकेंड होता है, ऑपरेटिंग टाइम लगभग 1 मिली सेकेंड के बराबर होता है, मतलब यह 1 मिली सेकेंड में अपना ऑपरेशन है उसको कर देता है, तो यहां पर स्विच का नाम आएगा हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, शाबाश मेरे साथियों, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग लाइक भी कर सकते हैं शेयर भी कर सकते हैं, आपसे निवेदन है कि एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर,
अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखो भाई ये भी एक प्रकार का क्या है, होल्डर ही है। देखो सामने ये भी क्या है भाई, विद्युत सामग्री का नाम बताओ। ये भी क्या है भाई, आपका होल्डर ही है कि नहीं? और होल्डर दोस्तों कौन सी सहायक सामग्री है, सहायक ही है। मैं आपसे पूछूं सीलिंग रोज कौन सी है, आप मुझे कमेंट में जवाब देंगे। सीलिंग रोज किस प्रकार की सामग्री है, सीलिंग रोज किस प्रकार की सामग्री है, कमेंट में जवाब दीजिएगा। हाँ भाई नमस्कार भाई रवि नायक, सीलिंग रोज किस प्रकार की सामग्री है आप मुझे कमेंट में जवाब दीजिएगा। कौन दे रहा पहले, बिल्कुल बजरंग लाल जाट ने सही जवाब दिया है, सहायक। बिल्कुल भाई सहायक है आपका, बिल्कुल आपका सहायक है। और यह है, ये जो देखो होल्डर की यदि आप संरचना देखते हैं तो ये आपका एडिशन स्क्रू प्रकार का है। किस प्रकार का है, एडिशन स्क्रू प्रकार का। और ये स्क्रू किसके बने होते हैं दोस्तों, पीतल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं दोस्तों, पीतल के बनाए जाते हैं। सहायक सामग्री है यह एडिशन स्क्रू है जो पीतल के बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ भाई एक डायग्राम दिया गया आप लोगों से, एक डायग्राम दिया गया और इसको पहचानना है। देखो वायरिंग भी बड़ी काम की चीज है। हाँ भाई इस तरीके से, तो दोस्तों ये तो देखो आप गया हो गया सॉकेट, ये तो क्या आपका सॉकेट, और सॉकेट के अंदर कौन डल रहा है आपका प्लग, यही है भाई आपका, यही है दोस्तों। ऊपर वाला तो प्लग है और नीचे वाला क्या आपका सॉकेट है। जैसे ये तो थ्री पिन प्लग हो गया, ये तो थ्री पिन प्लग हो गया, और जिसके अंदर डलेगा, डलने वाला प्लग होता है, डलने वाला आपका प्लग, और किस में डल रहा है भाई, सॉकेट के अंदर। तो सॉकेट आपके बोर्ड में लगे होते हैं और प्लग है वो किसी उपकरण का होता है। प्लग दोस्तों किसी उपकरण का होता है। तो प्लग और सॉकेट के संबंध को बताता है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। साथियों आप मुझे बताओ कि ये तीन चीज होते हैं उसमें जो सबसे अधिक व्यास वाला होता है वो किसका होता है दोस्तों, अर्थिंग का। किसका होता है, अर्थिंग का। लेकिन अपन घरेलू वायरिंग में अर्थिंग करते ही नहीं है यार, लेकिन करना चाहिए। यदि आप लोग नई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें अर्थिंग का वायर भी आप लोगों को डालना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर लग रहा है, अगला प्रश्न साथियों स्क्रीन के ऊपर लग रहा है। देखो एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। देखो जो एल श्रेणी एमसीबी है उसको अपन गीजर का भार, कौन सा भार दोस्तों, गीजर का भार काम में लेते हैं। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो किस सिद्धांत पर काम करती है, उसमें सिद्धांत पर काम करती है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बताना चाहूंगा कि जब भी हम मैं थ्योरेटिकल क्लास लेके आऊंगा तो पहले मैं आपको इस तरीके से, कभी कभार मैंने एमसीबी के ऊपर बना दी, कभी कभार मैंने सर्किट ब्रेकर के ऊपर क्लास बना दी, कभी कभार मैंने रिले के लिए क्लास बना दी, तो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन इन्हीं चीजों का मैं करूंगा। उसमें सिद्धांत पर काम करेगा। और एमसीबी आपका देखो स्विच की तरह भी काम करती है, स्विच की तरह भी काम करती है और प्रोटेक्शन का भी काम करती है, दोनों काम करती है। मतलब यह सुरक्षा और नियंत्रक दोनों प्रकार की युक्तियां हैं, दोनों प्रकार की युक्तियां मेरे साथियों। चलते हैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ भाई शाबाश, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये एक लैंप लगा हुआ है, ये सिंबल किसका है दोस्तों, एक लैंप का है। घरेलू वायरिंग में कौन से आरेख का उपयोग किया गया है भाई, पहले एक आरेख बनाया गया है तो स्थापना योजना, वायरिंग योजना, परिपथ आरेख, लेआउट डायग्राम बोलते हैं इसे। कौन सा डायग्राम बोलते हैं दोस्तों, इसको अपन सर्किट डायग्राम बोलते हैं, माफी चाहूंगा सर्किट डायग्राम। ये भाई आपका सर्किट डायग्राम है कि नहीं, और यहां पर ये कौन सा स्विच लगा हुआ है आपका, कौन सा स्विच लगा हुआ भाई, टू वे स्विच है क्या, कौन सा स्विच है ये आपका, टू वे स्विच मेरे साथियों, टू वे स्विच लगा हुआ है। और ये अपन ने क्या लगा रखा है, एक लैंप लगा रखा है। तो ये क्या भी आपका सर्किट का डायग्राम है कि लैंप को आप लोग इस तरीके से संयोजित करोगे। अब देखो लैंप का ये सिंबल भी होता है, और दोस्तों लैंप का गोले के अंदर ये लगा दोगे तो ये भी किसका सिंबल है, आपका लैंप का ही सिंबल है। कौन से लैंप का दोस्तों, उद्दीप्त लैंप का। कौन से लैंप का सिंबल है दोस्तों, उद्दीप्त लैंप का है, जिसे आप लोग इनकैंडिसेंट लैंप कहते हैं, जिसे आप लोग इन
कैंडी सेंट लैंप के नाम से जानते हैं, इन कैंडी सेंट के लैंप के नाम से जानते हैं, इन कैंडी सेंट लैंप के नाम से जानते हैं। चलिए मेरे साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेआउट डायग्राम में दोस्तों लैंप बनाने की जरूरत नहीं होती है, ये तो पूरा स्विच भी लगा दिया आपने और लैंप भी लगा दिया तो सर्किट डायग्राम हो गया। लेआउट में तो आपकी सिंगल लाइन डायग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ भाई, कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने का क्या प्रभाव होगा? देखो क्या होगा, कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा में जोड़ने पर क्या प्रभाव होगा? देखो मान लीजिए पहले आपकी 10 एम्पीयर को सहन करने वाली केबल थी, अब आपने उस केबल को क्या कर दिया, 20 एम्पीयर की करंट दे दी, तो क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, उसमें प्रभाव पड़ जाएगा कि नहीं? भाई दोस्तों उसमें प्रभाव में क्या हो जाएगी, आपकी वृद्धि हो जाएगी, और उसमें प्रभाव में वृद्धि होगी तो गर्मी के कारण केबल क्या हो जाएगी दोस्तों, खराब हो जाएगी। गर्मी के कारण साथियों केबल क्या हो जाएगी आपकी, खराब हो जाएगी, मतलब उसका जो विद्युत रेदन है शॉर्ट सर्किट हो जाएगी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, उसमें प्रभाव से इंसुलेशन को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो सामान्य विद्युत धारा की तुलना में यदि उसको ज्यादा धारा दी जाती है तो केबल उसमें प्रभाव के कारण साथियों क्या हो जाएगी आपकी, खराब हो जाएगी। बहुत शानदार डी जवाब दोस्तों सही है, एक बार क्लास को शेयर कर देंगे भाई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो बैंड है ये, देखो जब वायरिंग लगाते हैं तो बैंड लगाए जाते हैं, और ये कौन सा बैंड है भाई, ठोस एल्बो तो नहीं है, इसको बोलते हैं अपन इन्फेक्शन बैंड। कौन सा बैंड है ये आपका, इन्फेक्शन बैंड है, निरीक्षण बैंड है। कौन सा बैंड है भाई आपका, निरीक्षण बैंड है दोस्तों। कौन सा बैंड आपका भाई, निरीक्षण बैंड है। निरीक्षण बैंड वायरिंग के अंदर काम में लगाया जाता है, जिसे अपन वायर को क्या कर सकते हैं, केसिंग केपिंग, या फिर वायरिंग को अपन क्या कर सकते हैं, वायरिंग को कोई कोण के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। ठीक है भाई, इन्फेक्शन, शाबाश दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ भाई, अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर लग चुका है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच को एक लैंप को तीन अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है भाई, अब देखो एक लैंप है, यदि एक लैंप को आप लोग दो जगह से नियंत्रित करेंगे तो कितने टू वे स्विच की जरूरत पड़ेगी भाई, दो की। अब आपको तीन के लिए पूछा भाई, तीन अलग अलग स्थानों से, तो टू वे स्विच की आवश्यकता कितनी की होगी भाई, तीन की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी साथियों, तीन की ही हो जाएगी ना। एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए, मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को तीन अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए काम में ली जाएंगे। मध्यवर्ती के साथ में है तो एक जगह तो मध्यवर्ती काउंट कर लेगा, आपका तीन नहीं आएगा भाई, आपका दो ही आएगा भाई। एक आपका इंटरमीडिएट, क्योंकि दोनों के कनेक्शन अपने को सीरीज में करने हैं, तो दो तो आपके टू वे स्विच हो जाएगा और एक आपका इंटरमीडिएट स्विच हो जाएगा। तो टू वे है, उनकी तो आवश्यकता कितनी पड़ रही है मेरे साथियों, दो ही पड़ रही है। टू वे स्विच कहाँ, कौन सी वायरिंग में काम में लिया जाता है भाई, जीने की वायरिंग में। कहाँ काम में लिया जाता है, जीने की वायरिंग में, सीढ़ियों की वायरिंग में काम में लिया जाता है, जीने की वायरिंग के अंदर इसको काम में लिया जाता है। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ भाई, अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। हाँ भाई, कंसील्ड वायरिंग का क्या उद्देश्य है? कंसील्ड वायरिंग, कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग ही होती है आजकल। आजकल घरेलू वायरिंग में देख लीजिए आप लोग, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, वहां आपकी कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग ही हो रही है, जो किससे सुरक्षा करेगी भाई, आपकी नमी से सुरक्षा करेगी। किससे सुरक्षा करेगी दोस्तों, नमी से सुरक्षा करेगी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, शाबाश भाई, जीने और मरने की वायरिंग में, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ भाई, देखो सेम प्रश्न रिपीट हुआ है, सेम प्रश्न आपका रिपीट हुआ है दोस्तों, क्योंकि नीमे पैटर्न वाले दे देते हैं। देखो ये एक आपका लैंप लगा हुआ है और ये आपका स्विच लगा हुआ है, तो कौन सा डायग्राम होगा, वही आपका सर्किट डायग्राम होगा। कौन सा डायग्राम है दोस्तों, सर्किट डायग्राम है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये भी क्या है आपका, एक सर्किट डायग्राम ही है।
ये भी दोस्तों क्या है, आपका एक सर्किट डायग्राम ही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देख लीजिएगा। बताओ एचआरसी फ्यूज, मैंने पहले ही बता दिया था एचआरसी फ्यूज हेतु गुणक क्या है। तो देखो रिवायरेबल का तो कितना बताया था मैंने 1.4, और एचआरसी का दोस्तों कितना होगा आपका 1.1। कितना होगा दोस्तों 1.1 होगा, याद रखना, कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। और रिवायरेबल फ्यूज है वो आपका लगभग लगभग 3000 एम्पीयर तक अपन काम में लेते हैं। रिवायरेबल फ्यूज है वही आपका अधिकतम क्षमता पर विद्युत धारा को, विद्युत उपकरण को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ लेता हूँ, जो आपका सामान्य फ्यूज है वो किसका बना होता है बताओ। देखें सामान्य फ्यूज है रिवायरेबल, जो वायर अपन काम में लेते हैं वो किस चीज़ का बना होता है, कमेंट में जवाब दीजिए किस चीज़ का बना होता है। देखें कौन दे रहा जवाब, बताओ देखिए कौन दे रहा है। शाबाश, टिन प्लस लेड, टिन प्लस लेड, टिन प्लस लेड। टिन की 63 मात्रा लेते हैं और इसकी 37% मात्रा लेते हैं, टिन प्लस 37% की मात्रा ली जाती है, बहुत अच्छा भी। और लगभग यह कितने एम्पीयर तक काम में लिया जाता है, 10 एम्पीयर तक काम में लिया जाता है, बहुत अच्छा। हाँ भाई प्रश्न है आपका, किस प्रकार की रिले को एसी और डीसी दोनों पर संचालित करते हैं। दोस्तों आपकी जो आवेग रिले होती है ना, इम्पल्स रिले, इम्पल्स रिले पढ़ाऊंगा तब सभी की मैं डिटेल बताऊंगा आप लोगों को। जो इम्पल्स रिले होती है वो आपकी एसी और डीसी दोनों सप्लाई के ऊपर काम करती है। उसमें रिले है वो आपकी किसके अंदर काम में ली जाती है, उसमें रिले दोस्तों आपकी इलेक्ट्रिकल जो आयरन है, थर्मोस्टेट स्विच है, वो उसमें रिले के सिद्धांत पर ही आपका आधारित है। फेराडे रिले को अपन कौन सी रिले कह सकते हैं, महो रिले कह सकते हैं, इम्पीडेंस रिले के नाम से भी अपने जानते हैं, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ही काम करता है। ये आपकी केवल और केवल डीसी के ऊपर काम करेगी, यहाँ आवेग रिले वो आपकी एसी और डीसी दोनों के ऊपर काम में ली जाएगी, मतलब ऑपरेशन के लिए अपन सप्लाई दे सकते हैं। हालांकि रिले गर्मी तो एसी के कारण भी हो सकती है, आपकी डीसी के कारण भी हो सकती है, लेकिन ये ऑपरेशन के लिए दी जाने वाली जो सप्लाई होगी वो रिले कौन सी होगी दोस्तों, आपकी आवेग रिले होगी। चलिए मेरे साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ भाई देखें देखें क्या दिख रहा है, देखो इस तरीके से एक डायग्राम है और अंदर आपके दो छेद से एक बने होते हैं, एक आपका ये छेद हो रहा है, ठीक है भाई। तो देखो एक कनेक्टर हुआ है कि नहीं, ऐसे कनेक्टर हुआ है कि नहीं भाई। एक दिल्ली मेट्रो में एक प्रश्न पूछा गया था, एक दिल्ली मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो से प्रश्न पूछा गया था कि होल्डर का आउटपुट, होल्डर का आउटपुट किसकी सहायता से काम में लिया जाता है। तो देखो होल्डर में भी एक कनेक्टर पजाया जाता है, तो आप लोग ध्यान देंगे, दिल्ली मेट्रो में प्रश्न पूछा गया था कि होल्डर का आउटपुट किसकी सहायता से काम में लिया जाता है। तो होल्डर में एक होल्डर की संरचना का पैक होता है, तो एक तरीके का वो कनेक्टर ही होता है कि नहीं। तो ये क्या है दोस्तों आपका कनेक्टर है, क्या है दोस्तों आपका कनेक्टर है, जो क्या करेगा इसके अंदर आप डाल सकते हो, क्या करेगा भाई ये इसके अंदर आपका डल जाएगा, कनेक्टर है मेरे साथियों। ये क्या भाई आपका कनेक्टर है और किस चीज़ का बना होता है भाई, लोहे का, और टर्मिनल आपके पीतल के बने हो सकते हैं। तो अपन क्या कहेंगे भाई दोस्तों, आयरन कनेक्टर विथ डायरेक्ट एंट्री, मतलब डायरेक्ट प्रवेश कर रहा है कि नहीं, सीधे प्रवेश के लिए साथ के लोहे के संयोजक है, लोहे की जगह अधिक कंडक्टिविटी होगी, टेम्परेचर को सहन करना होगा, तो पीतल का भी बना हो सकता है यदि आप अच्छी कंपनी के काम में लोगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ भाई ये आपका स्विच का सिंबल दिया गया है, इस तरीके से स्विच का दोस्तों सिंबल दिया गया है, इस तरीके से ये आपका स्विच है, और ये आपका कौन सा स्विच है, टू वे भी नहीं है भाई और वन वे स्विच है, ये कौन सा स्विच है भाई आपका, वन वे स्विच है। और दो जगह से क्या कर सकते हैं आप लोग, इसे प्रेस कर सकते हैं, दो जगह से साथियों आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे प्रेस कर सकते हैं। बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच, बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच, बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच। तो यानी कि दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
डी ऑप्शन इज द राइट आंसर भाई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ भाई, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। हाँ भाई, घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है? पहले तो मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, यदि घरेलू वायरिंग में मैंने तांबे का वायर काम में लिया है, तांबे का वायर काम में लिया है तो उसका व्यास कितना होना चाहिए? दीजिए मुझे आप जवाब। घरेलू वायरिंग में मैंने तांबे का वायर काम में लिया है तो उसका व्यास कितना होना चाहिए? मेरे साथियों कमेंट में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल भाई, तांबे का लिया है तो दोस्तों आपका 1.5 आता है, और यदि एल्यूमिनियम का लेंगे तो 2.5 mm स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर यदि लचीले तार है तो अपन लोग कनेक्शन क्या कर सकते हैं भाई, इधर उधर थोड़ा उड़ा अपन क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेल उपकरण कनेक्शन, मतलब थोड़ा इधर उधर करके अपन क्या कर सकते हैं, वायरिंग के कनेक्शन कर सकते हैं। डी इज द राइट आंसर। भाई वायरिंग के अंदर आपको पता है जो चेन होती है पाइपों में अपन डालते हैं, तो एक चालक को दूसरी जगह पर ले जाना पड़ता है कि नहीं, तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब पहले रूम से दूसरे रूम में आपकी वायर जाता है, इसलिए क्या होना चाहिए आपका चालक, वो लचीला होना चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर लग चुका है। हाँ भाई, किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पीयर धारा रेटिंग से ऊपर भी किया जा सकता है? तो देखो सर्किट ब्रेकर यूज्ड अबाउ 100 एम्पीयर, मतलब 100 एम्पीयर के ऊपर अपन किसको काम में लेंगे भाई दोस्तों, बताइएगा। हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, डी गलत बता रहे हैं आप लोग, सी सही जवाब होगा दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सी जवाब सही होगा मेरे साथियों। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर जो एमसीबी से अच्छी प्रकार की युक्ति होती है, एमसीबी से कुछ क्वालिटी अवशिष्ट धारा को भी ऑब्जर्व करने का काम करती है, एमसीसीबी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। चलिए दोस्तों बताइए, आप दीजिए प्रश्न का जवाब। तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य है? देखो जहां पर टिन की मात्रा बढ़ जाती है ना तो वहां का गलनांक कम हो जाता है, टिन की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों तो वहां गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और पानी पिलाना सर। टिन की मात्रा बढ़ती है तो वहां गलनांक कम हो जाता है मेरे साथियों, तो दीजिए आप लोग इसका जवाब। बिल्कुल सही जवाब सही होगा कि तांबे के तार के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, तांबे के तार को ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, सही जवाब मेरे साथियों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर लग चुका है। हाँ भाई, चार कुचाली चालकों के समूह का क्या नाम होता है? तो चार का होता है उसे क्वाड्रेंट कहते हैं कि नहीं, चार का होता है इसे अपन क्या कहते हैं, क्वाड कह देते हैं, क्वाड कह देते हैं। तो चार वायरों के समूह को अपन क्वाड के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं साथियों, क्वाड के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चार लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने टू वे स्विच की आवश्यकता होगी? मतलब एक लैंप को आप क्या करेंगे, चार जगह से नियंत्रित करना है, तो कितने टू वे स्विच की आवश्यकता होगी? एक टू वे स्विच की सहायता से लैंप को दो जगह से नियंत्रित किया जाता है। हाँ भाई,
चार लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग में कितने स्विच की आवश्यकता होती है? बिल्कुल बी, थ्री ऑप्शन इज, तीन स्विचों की आवश्यकता होगी दोस्तों, तीन स्विचों की आवश्यकता होगी। बिल्कुल सही जवाब, तीन स्विचों की आवश्यकता ली जाएगी भाई, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, बहुत शानदार प्रश्न है। बहुमंजिल इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है? ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है बताइएगा भाई, ट्री प्रणाली वायरिंग का प्रकार है एक भी, ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है? क्योंकि देखो ट्री प्रणाली में क्या होता है कि जगह जगह आपके कनेक्शन निकाले जाएंगे, तो जब भी कभी फॉल्ट आ जाएगा वायरिंग के अंदर तो उसको ढूंढना क्या होता है आपका थोड़ा सा आसान होता है, ढूंढना दोस्तों क्या होता है आपका आसान होता है। तो कई फ्यूज के साथ में दोष ढूंढना ट्री प्रणाली में दोस्तों क्या होता है आपका आसान होता है, यह भी क्या एक वायरिंग का प्रकार है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ भाई, अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर लग चुका है। सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु, सीलिंग का मतलब छत की बात कर रहे हैं, और छत में अपन स्क्रू निकाल देंगे तो अपन किस पदार्थ को काम में लेते हैं दोस्तों? नायलोन को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नॉर्मल बुकों में आपका नहीं दिया जाएगा। छत के अंदर यदि अपन लोग स्क्रू निकाल रहे हैं तो वहां से पानी भी नहीं आना चाहिए और आपका शॉर्ट सर्किट किसी वायर के संपर्क में भी नहीं आना चाहिए, तो अपन क्या भरेंगे? नायलोन को भरेंगे। अरे भाई कागज तो गल जाएगा पानी से यार। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शाबाश। हाँ भाई, ये सिंबल दिया गया है, ये सिंबल है इस तरीके से उल्टा आठ है। तो दोस्तों ये आपका छत पंखे का सिंबल है, किसका सिंबल है? छत पंखे का सिंबल है दोस्तों, किसका सिंबल है ये भाई ध्यान रखना, छत के पंखे का सिंबल है, छत के पंखे का सिंबल है मेरे साथियों, छत पंखे का सिंबल है, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसका सिंबल है ये? छत पंखे का सिंबल है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ भाई देखो, देखें पहले भी आ चुका है ये, एक प्रकार की आपसे रिले पूछी गई है। रिले का क्या नाम है भाई? ये आवेग रिले है। कौन सी रिले दोस्तों आपकी? इस प्रकार की रिले को दोस्तों आप ध्यान रखना, इमेज आवेग रिले, जो एसी और डीसी दोनों के ऊपर काम करेगी, एसी और डीसी दोनों के ऊपर काम करती है। कौन सी रिले दोस्तों आपकी? आवेग रिले है, जो आपकी एसी पे भी काम करेगी और आपकी डीसी के ऊपर भी काम करेगी। हाँ भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है। आरेख का क्या नाम है? देखो यहां तो आपका देखो बोर्ड लगा हुआ है, और फिर ये टी प्रणाली है, ये आपकी टी प्रणाली है, और ये आपका एक एल्बो लगा हुआ है, ये आपका दोस्तों एक एल्बो लगा हुआ है, कौन सा प्रणाली है? देखो स्विच वगैरह नहीं लगा हुआ है, मतलब अब इसके अंदर कंपोनेंट अपने को डालने हैं, तो कौन सा आरेख है दोस्तों बताइएगा आप लोग, कौन सा आरेख है दोस्तों बताइएगा भाई? अपन क्या करेंगे, स्थापना वायरिंग हो गई ना भाई, यहां यहां अपने को ऐसा ऐसा करना है, तो इसको बोलते हैं अपन स्थापना योजना, स्थापना योजना मतलब मेरे को ऐसे ऐसे वायरिंग करनी है, इधर से मेरे को वायर निकालना, पाइप डालनी है, इधर से मेरे को पाइप डालनी है, तो इसे बोलते हैं दोस्तों अपन स्थापना वायरिंग। शाबाश साथियों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईसीडीपी, आई का पूरा नाम आयरन, सी का क्लेट डबल पोल स्विच, आयरन क्लेट डबल पोल स्विच का मुख्य उपयोग क्या है साथियों? इसे अपन एकल फेज घरेलू स्थापना में काम में लिया जाता है भी, सिंगल फेज वायरिंग के अंदर इसको काम में लिया जाता है, सिंगल फेज वायरिंग को ही इसके इसके अंदर काम में लिया जाता है, एकल फेज वायरिंग। दोस्तों वायरिंग का आपसे प्रश्न चल रहे हैं, अब मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं आपसे, मेले और प्रदर्शनी कार्यों में, मेले और प्रदर्शनी कार्यों में कौन सी वायरिंग को काम में लिया जाता है, आप मुझे जवाब दीजिएगा, मेले और प्रदर्शनी कार्यों में किस वायरिंग को काम में लिया जाता है मेरे साथियों, जवाब दीजिएगा।
कौन दे रहा है पहले जवाब? टेम्परेरी थोड़ी होती है, क्लीट वायरिंग होती है। कौन सी वायरिंग होती है साथियों? क्लीट वायरिंग होती है, जिसे अपन लोग अस्थाई वायरिंग भी कहते हैं, इसे अस्थाई वायरिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है। हाँ भाई, नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर लगा है। अब देखो, कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के अन्य सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? तो देखो, ये फ्यूज है, ये भी आपका नियंत्रक है, और इंटरमीडिएट स्विच है, वो ये भी आपका एक स्पेशल प्रकार है, और ये भी आपका स्पेशल प्रकार है। सिलिंग रोज आपकी सामान्य सहायक सामग्री है, सिलिंग रोज दोस्तों आपकी एक सामान्य सहायक सामग्री है। तो इन तीनों से लगभग लगभग क्या है, ये डिफरेंट है। सिलिंग रोज क्या है दोस्तों? आपकी डिफरेंट है। सिलिंग रोज आपने देखा होगा, एक छोटी सी डिब्बी होती है, उसके पीछे आपके कॉन्टेक्टर होते हैं, और वायरों के कनेक्शन करके अपन उसको कस देते हैं। वायरों को कनेक्शन करके अपन लोग क्या कर देते हैं भाई? कस देते हैं। शाबाश, क्लीट वायरिंग जवाब दिया है कई बच्चों ने। क्लीट वायरिंग बिल्कुल कई बच्चों ने सही जवाब दिया है मेरे साथियों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ भाई, अगला प्रश्न आपका स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। हाँ भाई, डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? लोकोमोटिव के अंदर। एमसीबी डीसी प्रकार की एमसीबी में दोस्तों कहाँ अपन काम में लेते हैं? लोकोमोटिव के अंदर काम में लेते हैं। किसके अंदर काम में लेते हैं दोस्तों? लोकोमोटिव के अंदर काम में लेते हैं। देखो, आज प्रश्न तो मैं बहुत ज्यादा करवाने वाला था, लेकिन थोड़ी सी तबियत डाउन होने की वजह से आज मैं आप लोगों को इतने ही प्रश्न करवाने वाला हूँ। शाम की क्लास 8:30 बजे आप लोग जुड़िएगा, और कम से कम इससे डबल प्रश्न मैं आपको हल करवाने वाला हूँ। दोस्तों, ये आपका सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है, जिसका अपन नीमी पैटर्न का असाइनमेंट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट है दोस्तों, मैंने टेलीग्राम के अंदर डाल दिया है। जिन्होंने नहीं लिया है, वो टेलीग्राम के जाकर वो PDF वो प्राप्त कर लेगा। जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।